तो यहाँ से हम लोगों को चलना है जी बोट पर। तो बोट चल चुकी है जी और हम लोग जहाँ से जा रहे हैं, एनाकोंडा मूवी में जो एक सीन था आपको सीन मिलेगा यहाँ पर। ओहो हो, बावड़े कितना बड़ा स्नेक है। वो सब चीज किताब में देखते थे हम लोग, टीवी में देखते थे, अभी हम लोग जो है सामने से ये सब कुछ देख रहे हैं। ओहो हो, मस्त भाई साहब। तो हम लोग पहुंच रहे हैं जी बीच के पास और देख सकते हैं जी यह एक ऐसा जगह है, वो जो आप जमीन देख रहे हैं ना उसके उस पार है समुद्र और इस पार है बैक वाटर। तो फिलहाल क्रियांश भी जो है जग चुका है। ओए हीरो जग गया। यहाँ संगम होता है जी, इसका नाम है एलिफेंट रॉक। यहाँ पर ले रहे हैं कैमल राइड, देख सकते हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और हम हैं केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में और मौसम देख सकते हैं जी बड़ा बेहतरीन है। सुबह सुबह हम लोग निकल रहे हैं और यहां से जाने वाले हैं एक आइलैंड। जी हाँ, वो आइलैंड है पूवर आइलैंड। तो यहाँ पर गाड़ी का आना जाना लगा हुआ है, इस कारण हो सकता है कि आपको सुनने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो, उसके लिए माफ कीजिएगा। और फिलहाल जो है सारा सामान सब लेकर के आ गए हैं, गाड़ी के अंदर लेकर चलते हैं और घूमते हैं पूवर आइलैंड और यहाँ का कोवलम बीच और यहाँ का जो टेम्पल है तो वहाँ भी चलेंगे हम लोग और भी जो भी कुछ होगा रास्ते में घूमते हुए चलेंगे। तो सभी लोग जी गाड़ी में बैठ गए हैं और देख सकते हैं मेरा और क्रियांश का ड्रेस जो है मैचिंग है। कैसा लग रहा है आपको, कमेंट करके बताइएगा। यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं पूवर आइलैंड, तो चलते हैं वहाँ पर और वहाँ पर बोटिंग करेंगे। स्पेशली बोटिंग के लिए ही हम जा रहे हैं, वैसे हम सोचे थे पहले जाएंगे मुनरो आइलैंड, लेकिन मुनरो में जो हमें दिखा वहाँ पर बोट ऊपर शेड वाला नहीं मिला हमको वहाँ पर और बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन दिख रहा था बोट का, तो सोचा कि इससे अच्छा त्रिवेंद्रम आते हैं और यहीं पर आसपास में हम लोग घूम लेंगे। और कल हम लोगों का डिपार्चर भी है, तो कल निकलने से पहले जितना भी यहाँ पर एक्सप्लोर होगा तो सब कुछ एक्सप्लोर कर लेंगे। तो फिलहाल अभी बीच रास्ते में रुक गए हैं जी, बीच रास्ते में मिल गया हमें एक पंजाबी ढाबा, तो सोचा कि आज जो है नॉर्थ इंडियन फूड थोड़ा खा लेते हैं, बहुत दिनों से साउथ इंडियन ही खा रहे हैं। यहाँ पर अपना पेट पूजा करके फिर हम लोग निकलेंगे, अपने जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। और क्रियांश जो है हाथ में अपना चम्मच ले लिया है, चम्मच से खेल रहा है, चाह रहा था दूसरा चम्मच भी इसको मिले। हाँ पहले से खेल लो उसके बाद दूसरा लेना। 20 minutes later. तो हम लोग जी पहुंच गए हैं पूवर आइलैंड और यहाँ पर जो है जी अपना बैठी हुई है और वहाँ से जो है हमारा बोट राइड स्टार्ट होगा और भाई साहब ने जो है बहुत अच्छे से समझा दिया यहाँ सारा चीज और देखते हैं बस ट्रिप करते हैं कैसा रहता है जर्नी बताते हैं। बिल्कुल अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा, चलिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ से हम लोगों को चलना है जी बोट पर, अच्छे से पकड़ना चाहिए उसको, उठना चाहिए। तो हम लोग जी बोट में बैठ चुके हैं और यहाँ से अब निकलेगी बोट। और जिया तुम भी लाइफ जैकेट पहन लो, ठीक है, हम क्रियांश को पकड़ लेते हैं। तो बोट चल चुकी है जी और हम लोग जहाँ से जा रहे हैं, इस नदी का नाम है नेयर नदी। नेयर नदी से अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा स्पॉट है और बड़ा मजा आ रहा है जी। बैक वाटर्स में दोनों साइड एकदम जंगल और बीच में छोटा सा एक पासेज है पानी का और उसमें हम लोग जा रहे हैं। यहाँ बीबी बच्चा सहित सभी लोग, मस्त मजा आ रहा है और लग रहा है बारिश भी होने वाली है। तू तो और जबरदस्त हो गया, बारिश होने लगी और यहाँ पर बारिश भी होने लगी भाई साहब। सबसे मजेदार पार्ट जो होने वाला है वो है जी अब देख सकते हैं हम बीच से गुजरेंगे। एनाकोंडा मूवी देखा था ना आपने, एनाकोंडा मूवी में जो एक सीन था ये लगभग उसी तरह का आपको सीन मिलेगा यहाँ पर। ओहो हो हो भाई साहब मजा आ गया। इधर से हम लोग गुजर रहे हैं। तो यहाँ में फल दिख रहा है बहुत सारा, इसके बारे में पूछा हमने तो बताया कि यह जंगल मैंगो है लेकिन यह पॉइजनस है, इसको खाना नहीं है। तो मजा आ रहा है जी यहाँ पर घूमने में और देख सकते हैं यहाँ का नजारा हम लोग जो अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। पता नहीं आप लोगों को कैमरा में उस तरह से नजर आ रहा होगा कि नहीं, लेकिन बहुत मजा आ रहा है जी, मान गए केरला को भाई साहब, जबरदस्त जगह है ये। और इधर आप देख सकते हैं बस्ती है और ये सारा बस्ती जो है फिशरमैन का है, सारे फिशरमैन रहते हैं इस साइड। और हम लोग चल रहे हैं जी, ओहो क्या मस्त है, जबरदस्त एकदम लग रहा है, एकदम नेचर के बीच में। अब आपको लग रहा होगा कि आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है, किधर से जाएंगे, तो कोई ना कोई बीच का होगा उधर से निकलेंगे। ओए होए बहुत मजा आने वाला है, लेकिन अब नजर आया उधर का रास्ता। ये देख सकते हैं, हमें तो लग रहा था कि रास्ता ही खत्म है आगे से,
अरे भाई साहब क्या मस्त नजारा है भाई साहब। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं जी, पूरा का पूरा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ओहो हो, सब चीज किताब में देखते थे हम लोग, टीवी में देखते थे, वीडियो देखते थे, किताबों पर है। अभी हम लोग जो है सामने से ये सब कुछ देख रहे हैं। ओहो हो, मस्त भाई साहब, सभी को जरूर आना चाहिए जिंदगी में एक बार केरला। ओए होए, क्या है, ईगल है क्या, ये जबरदस्त है। ओए होए, मस्त मस्त भाई साहब, गजब गजब चिड़िया देखने को मिल रहा है। और यहाँ में नीलकंठ भी देखने को मिल रहा है। वो देखिए, मैं उसको जूम करता हूँ, वो देख रहे हैं नीला नीला जैसा, हाँ नीलकंठ है वो। ओए होए, खूब एंजॉय करता है। नहीं अभी सो रहा है, अच्छा है, वैसे एक घंटा तक मुश्किल से सोएगा ये, और ट्रिप 2 घंटे का है तो एंजॉय कर लेगा ये भी। कितना बर्ड्स है इधर, बहुत है। ओ भाई साहब, देख ले गरुड़। ओ भाई साहब, गरुड़ महाराज क्या हाल है। वाटर क्रो है ये, ओके ओके। ओ भाई साहब ये देखिए, नजदीक से हम लोग जा रहे हैं, ये पहली बार देखा है हमने, वीडियो में भी नहीं देखा है कहीं पर। यही पर देख रहा हूँ पहली बार, क्या अलग ही लगता है एकदम, बिल्कुल देखने में इतना मजा आ रहा है ना कि पूछिए मत, ऐसा लग रहा है जिंदगी के पूरे मजे ले रहे हैं हम। ओहो, पता था कि यहाँ से थोड़ा ड्रोन शॉट भी ले, लेकिन ड्रोन को हम उड़ा तो लेंगे लेकिन लैंड कराना यहाँ मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें लगा हुआ है ऑब्स्टेकल सेंसर। तो सोचा था यहाँ से हम फ्लाई करा लेंगे, लेकिन जब लैंड होने का बारी आएगा तो इसको ये डिटेक्ट करेगा, तो लैंड होने में प्रॉब्लम आएगा और कहीं पानी में ना चले जाए ड्रोन। तो इससे अच्छा है कि यहाँ रिस्क नहीं लेते हैं, कहीं पर रुकेगा तो वहाँ से ड्रोन शॉट जरूर लेंगे हम, जो किनारा होगा। यहाँ देखिए ईगल को, ओहो वो देखो, नहीं दिख रहा है तुमको, ईगल है उधर, एक और था वो उड़ गया, अच्छा उड़ के वहाँ गया है, कहाँ कहाँ कहाँ, ये रहा ईगल। ओहो ईगल महाशय धन्यवाद अपना दर्शन देने के लिए। हम लोग तो सोच रहे थे कि हम लोग वहाँ चले जाएंगे मुनरो आइलैंड, और वहीं पर घूमेंगे और वर्कला बीच घूमेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे, लेकिन जो हमारे भाई साहब हैं जिनसे हमने टैक्सी बुक किया है, उन्होंने कहा कि नहीं आप ऊपर चले जाओ, वहाँ ज्यादा अच्छा नज़ारा आपको मिलेगा। मुनरो में जो है ज्यादा अभी क्राउड है नहीं, वो एक चीज अच्छा बात है, लेकिन तरह का सेट वाला बोटिंग वहाँ पर आपको शायद नहीं मिलेगा, तो हम लोग आ गए हैं। और क्रियांश के लिए सही नहीं रहता कि अगर उसके ऊपर सेट नहीं रहता, ओपन बोट में जाना क्रियांश के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं लगा। तो हम लोग चल रहे हैं जी अभी बाहर, और हम लोग पहुंच जाएंगे बीच के पास, बीच के पास ही पहुंच रहे हैं भैया, वो सामने देखिए ना, वो बीच है क्या, हाँ, बीच है, बीच। तो उस साइड बीच है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जी ढेर सारा रिसोर्ट बना हुआ है, तो करता है कैसे रिसोर्ट में भी रहे, लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर इसमें रह लेंगे हम लोग, फिर घूमना फिरना छोड़ दो, बस चुपचाप वहाँ बैठ के निहारने का काम करो, यही हो सकता है, क्योंकि इसका कॉस्ट अच्छा खासा पड़ जाता है। तो हम लोग पहुँच रहे हैं जी बीच के पास, और देख सकते हैं जी यह एक ऐसा जगह है, वो जो आप जमीन देख रहे हैं ना, उसके उस पार है समुद्र और इस पार है बैक वाटर, तो यहाँ पर जो है बैक वाटर और समुद्र का संगम होता है, तो यही कह सकते हैं जी। तो हम लोग चल रहे हैं वहाँ पर, तो हम लोग पहुँच गए जी इस टापू पर, और इस टापू के उस पार चलते हैं जहाँ से आपको समुद्र का नजारा दिखाते हैं। यहाँ पर जो है ड्रोन का फुटेज आराम से लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं यहाँ का नजारा। तो फिलहाल क्रियांश भी जो है जग चुका है। ओए हीरो जग गया, ओए हीरो जग गया, मेरा हीरो जग गया है। ओए और इधर देखिए, हाँ और ये नजारा आप देखिए, भाई साहब मस्त, इधर समुद्र उधर बैक वाटर, मस्त है जी। और यहाँ से बाहर हम लोगों को नहीं जाना, इस रस्सी से बाहर ध्यान रखना जी, खतरा है उधर। ओहो हो, हम लोग सोचे थे कि ड्रोन फुटेज लेंगे, लेकिन बारिश इतनी तेज आई कि भागे भागे आए हम लोग इस सेट के अंदर, और बारिश अब कुछ देर में लग रहा है छूटने भी वाली है। छूट गई, छूट गई बारिश। और हीरो, ओ हीरो, हाँ हीरो बताओ, हाँ टसन में आई है, टसन में हीरो।
सब कुछ तो कर लिया जी, अब यहाँ पर ले रहे हैं कैमल राइड देख सकते हैं, और यहाँ पर सीढ़ी लगा हुआ है, इस सीढ़ी से चढ़ना है तो चढ़ते हैं और सभी लोग लेते हैं कैमल राइड। तो कैमल राइड जी स्टार्ट हो चुका है, कैमल राइड के लिए बैठ गए। ओ भाई साहब डर भी लग रहा है काफी, उबर खबर उबर खबर उबर खबर नहीं ऊपर नीचे एक तरह से कहो। ओए होए ये डर ही नहीं लग रहा है ये। कैमल राइड ले लिया जी हमने और अब जा रहे हैं सीधा बोट पर, और बोट पर चल करके यहाँ जो ट्रिप है इसको कंटिन्यू करते हैं इस आइलैंड के टूर को। तो हम लोग बैठ गए हैं बोट में और यहाँ से जो है जर्नी को कर रहे हैं कंटिन्यू। अभी तक जो भी जर्नी रहा है मजा आ गया जी, ऐसा लग रहा है पूरा पैसा वसूल। फोटो लोकेशन किधर है? कोकोनट आइलैंड है वो, वहाँ भैया बता रहे कि फोटोशूट करवा सकते हैं, कोकोनट आइलैंड है तो करवाते हैं। तो वहाँ जो रिसोर्ट आप देख रहे हैं जी, शायद इसका नाम क्या बताए, फोर्टिगो रिसोर्ट। तो ये एक रिसोर्ट है, यहाँ पूरा आइलैंड है, इसके उस साइड भी बैक वाटर है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना आपको बैक वाटर, वैसे ही इस रिसोर्ट के उस साइड भी बैक वाटर है। तो मजा है उस आइलैंड पर रहने का, और 5-star होटल है ये तो प्राइस भी 5-star जैसा होगा, जाहिर सी बात है। कोई बात नहीं, हम लोग बाहर से ही मजे ले लेते हैं, बहुत ही मस्त व्यू है बाहर से भी। और एक चीज़ हमें दिख रहा है यहाँ, रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, अच्छा खासा है, देखते हैं फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। होटल सरवना भवन ये जो कि सबसे फेमस है वो भी है, उसका भी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है यहाँ पर, और आगे भी है। वाह मजा है सर राइट। और यहाँ देखिए यहाँ संगम होता है जी, संगम अरबियन सी और ये कैनाल का, ओके वो क्या है एलिफेंट रॉक है वो देख रहे हैं एकदम, उसका नाम है एलिफेंट रॉक। ओके एकदम देख सकते हैं नेचुरल एलिफेंट जैसा बना हुआ है ये, सही में एकदम देखा जाए इसका अगर परछाई उतारा जाए तो एक सही में एलिफेंट ही लगेगा ये। ओहो मस्त। और यहाँ पर आपको फ्लोटिंग रिसोर्ट दिखेगा बहुत सारा, देख रहे हैं बहुत सारा फ्लोटिंग रिसोर्ट है यहाँ पर, जो मालदीव में आप लोग देखने जाते हैं फ्लोटिंग रिसोर्ट, यहाँ आपको केरला में भी मिल जाएगा। ओ भाई साहब मस्त लग रहा है ये रिसोर्ट फ्लोटिंग वाला। जबरदस्त भाई साहब, देख रहा हूँ वहाँ पर बोट लगा हुआ है, तो शायद इन्हीं सब बोट से जो है यहाँ पर आपको ड्रॉप किया जाता होगा इन सभी रेस्टोरेंट में, वो भी अलग ही एक्सपीरियंस होगा, कभी होगा तो करेंगे बजट के ऊपर नीचे करके, है ना? बहुत महंगा तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं कभी देख लिया जाएगा, घूमेंगे नहीं बस इसमें आके समय बिताएंगे। पानी टेस्ट करना चाह रहा है क्रियांश, अरे बाप रे बदमाश कहेगा वो क्रियांश, ये अलग ही बस्ती में है क्रियांश। और यहाँ पर है जी मदर मेरी स्टैचू। ओहो हो हम लोग इस रास्ते से जो गुजर रहे हैं राइट साइड आपको दिखेगा क्लब महिंद्रा का होटल, और ये आइलैंड है, यहाँ भी रिसोर्ट सब बना हुआ है, अच्छा खासा रिसोर्ट है जो आपको उस साइड से हम दिखा रहे थे। क्या खूबसूरत जगह है जी केरला, सही में जी मान गए हम, कोई कहता था कि केरला एक बार जरूर जाओ बहुत ज्यादा मजा आएगा वहाँ पर, और यहाँ आए मजा आ गया जी। क्या जरूरी है हम लोग को बाहर जाने का, अपने देश में ही इतना खूबसूरत चीज सब है, मतलब हमारी सोच के बाहर का चीज है, मतलब नेचर के बीच में क्या गजब तरीके से मैनेजमेंट किया गया है टूरिस्ट के लिए, और ज्यादा छेड़छाड़ भी नहीं किया गया कि आपको लगे कि कुछ आर्टिफिशियल जैसा है, यहाँ पर बिल्कुल नेचर के बीच से आप जा रहे हैं। तो यहाँ जो किया है जी सही में जिनका भी यह दिमाग था जिनका भी यह आइडिया था गजब प्लान किया है एकदम पूरी जगह को। तो इसी तरह से जी हमारा यहाँ का बोट ट्रिप होता है खत्म, हम लोग जो है बस अपने स्टॉपेज पर पहुँचने वाले हैं, लेकिन यह जो बीच का 2 घंटा का समय था बहुत ही जबरदस्त था, मजा आ गया जी, जरूर आना चाहिए। आप सभी को रिकमेंड करेंगे केरला आए ऊबर आइलैंड जरूर है, और यही वाला जो बोट राइड है जरूर ले, बहुत मजा आएगा आपको। इतने अच्छी-अच्छी हमको बर्ड्स देखने के लिए एकदम जो हम लोग बुक में पढ़ा करते थे। बिल्कुल, और सबसे अच्छा लग रहा था वो जो संगम हो रहा था इस बैक वाटर का अरेबियन सी से, वो पॉइंट तो भाई मस्त था एकदम। हाँ अब हो गया, अब प्रयास को भी उतरना है, अब इसको नींद आ रही है कि नहीं इसको जो है खेलना है नीचे उतर के, तो इसको जो है गोद में रखा गया है, तो जहाँ ये चाहता नहीं है कि गोद में रहे, ये चाहता है कि हमको छोड़ दिया जाए घूमे। अब इतना बड़ा नहीं हुआ कि इसको मैं छोड़ दूँ। हाँ हमें लगा था कि राइड खत्म हो गई है, नहीं जी राइड अभी जारी है, और हम लोग गुजरने वाले इस पुल के नीचे से। ओहो भाई साहब ये देखिए, आए हाय हाय मजा आ गया। और यहाँ जो इलाका है जी बिल्कुल एकदम पूरा कोकोनट से भरा हुआ है, तो देख सकते हैं जी पूरा कोकोनट प्लांट है, और बीच में हमें वो दिख रहे करो। ओ भाई साहब हमें तो डर लग रहा था कि मॉनसून में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं हो कहीं रोड बंद ना हो,
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जी। और मुझे लगता है कि मानसून में आकर के हमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मानसून में जो है और ज्यादा मजा आ गया। केरला ग्रीन तो था ही, और भी ज्यादा ग्रीन हो गया। बावड़े कितना बड़ा स्नेक है, बोट पे आता है कभी? यहाँ एक चीज मुझे क्या अच्छा लगता है कि यहाँ पर सभी का चार्ज फिक्स कर दिया गया, जो कि आपको बोर्ड पर नजर आ रहा होगा। और यह भी दिया हुआ है कि अगर कोई आपको इससे ज्यादा चार्ज करता है तो आप उस नंबर पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। और क्रियांश को दिया चाह रही है, गोद में बैठे हैं, लेकिन वो गोद में बैठना ही नहीं चाह रहा है। सबको क्या क्या बोल रहा है समझ नहीं आ रहा है। वाह, क्या बोल रहा है क्रियांश?